रहा आशिक अर्जुन प्रधान का। इस वक्त देखता हूँ मकान में प्रधान जी बैठी हैं और कैसी हैं। अरे प्रधान जी क्या बात है भाई, सुना हमारी बात? कौन सी बात है कहो। अरे दरोगा जी थाने से घर पे थे आए, घर पे थे आए, इसी वक्त तुमको है थाने बुलाए। अरे गिरफ्तार की धमकी अरे दे के गए हैं, गिरफ्तार की धमकी अर दे के गए हैं, यही बात दिल में न मेरे समाए। दिल में समाए यही बात दिल में न मेरे समाए। उदासी का कारण ये है, तो सुनो मेरी बात। और दरोगा का बच्चा बहुत बड़े गया, अगर मैं होता तो दौड़ा कर गोली मार देता। कोई बात नहीं, मैं इसी वक्त जा रहा हूं थाने, अगर मिल गया हरामजादा तो वही धराशाही कर दूंगा। देर मत कीजिए, नहीं मिला तो ऐसी जाल बिछाऊंगा खुद चाला खींचा चलाएगा हमारे पास। जा रहा हूं थाने। दरोगा साहेब वर्दी कितना बड़ा घमंड, वर्दी कितना बड़ा नाच। एक दिन तो हाय वर्दी ना उतरवाई ली, एक दिन तो हाय वर्दी ना उतरवाई ली, हमारे नावासा पर बड़ा नाच। उमेश के लिए कहना क्या है, जो हमारे के नये से आए हुए मैं राजा जी, और बहुत प्यार करते हैं तुम्हें को सनम, बहुत प्यार करते हैं। ए कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम बहुत प्यार करते हैं तुम्हें को सनम। चाहेंगे
तुम्हें को ही चाहेंगे जब तक है दम, बहुत प्यार करते हैं तुम्हें को सनम। साहब मेरे बाहर कहीं चले गए हुए हैं, जब देखो डाकू सैनी के चक्कर में पड़े रहते हैं, ना तो सोते हैं, ना तो ढंग से खाना खाते हैं, ना तो खाने देते हैं, ना तो सोने देते हैं। ऑफिस में अकेला हूं, थोड़ी देर बैठता हूं, उसके बाद देखता हूं क्या होता है। थान है, देखता हूं थान है कौन है। साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है और कहां के रहने वाले हो? साहब अकबरपुर हमारे रियाया में आता है, मैं वहीं का जमींदार, मेरा नाम भूतपूर्व प्रधान आसिक अर्जुन प्रधान है। ओहो, तुम वही प्रधान हो जो गांव में जाके बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हो? आपका दिमाग तो नहीं खराब है साहब? अरे प्रधान, गांव को लोग तुम्हें बहुमूल्य इसलिए अपना वोट देते हैं क्योंकि गांव का विकास हो, गांव का मान सम्मान बढ़े, ये नहीं कि गांव का बहन बेटियों की इज्जत लूटे। देखो साहब, इलेक्शन का पीरियड बिल्कुल नजदीक आ चुका है, ये हम जानते हैं विपक्ष पार्टी वालों का काम है, खिलाफ पार्टी वालों ने, अपोजिशन वालों ने ऐसा कर दिया है कि जाकर एक एप्लीकेशन डाल दो ताकि हमारी बदनामी या बुराइयां हो और हमें वोट ना मिले, मैं हार जाऊं। प्रधान जी, तुम्हारे नाम से एप्लीकेशन दर्ज है यहाँ पे? हम मानते हैं साहब, लेकिन आप खुद ही सोचिए कि अगर हम गुनहगार होते तो थाने क्यों आते? ये बात तो ठीक है, तो बोलो। हम थाने आए हैं साहब ये बतलाने के लिए इंस्पेक्टर अनिल कुमार है कि नहीं। देखो साहब, तो इस समय थाने पे नहीं है, फिलहाल मैं अकेला हूँ, बोलो क्या काम है? आज रात 12 बजे काली पहाड़ी पे डाकू शेरनी का हथियार विदेश से आ रहा है, बम बारूद अन्य प्रकार के पिस्टल आज रात काली पहाड़ी पे आ रहे हैं और हम चाहते हैं साहब कि आप वहां पहुंचे, शेरनी को ही नहीं उन सप्लायरों को भी गिरफ्तार करें जो देश में भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। प्रधान जी ये बात तो ठीक कह रहे हो, डाकू शेरनी नाक में दम कर रखा है, मैं उसे जरूर गिरफ्तार करूंगा, ये मेरा वादा है, और इंस्पेक्टर अनिल कुमार को साथ में जरूर लेकर आना। और ना आए तो उनसे क्या मतलब है, मैं जाऊंगा गिरफ्तार करूंगा, वो आए या ना आए उससे क्या मतलब है? इंस्पेक्टर अनिल कुमार को लेके आओगे तो हम तुम्हें 50,000 रुपया भी दूंगा हार्ड कैश। प्रधान जी मैं चाहो तो अभी रिश्वत देने के जुर्मे तुम्हें गिरफ्तार करो, और दिल तो मेरा यही कह रहा हूँ ना कि सुधा तेरे खोपड़े में गोलियां उतार के काउंटर कर दूं तेरा, समझ गया? आखिर सोचिए साहब, कितनी वेतन मिलती है आपको, आपके परिवार का खर्च, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, अरे हमसे मिलके रहो हम आपको राजा बना दूंगा। ठीक कह रहे हो प्रधान जी, वाकई में तुम कुत्ते आदमी हो, आखिर गिर गिर कितना अपना रंग बदल दिया। अरे मैं जो भी तनख्वाह पाता हूँ अपने कमाई में ही मेरे लिए बहुत है, मुझे जो सरकार दे रही है मैं उसी में खुश हूँ, तुम कौन होते हो मेरे घर के खर्चा देखने वाले? हमें पता है सीधी उंगली से घी नहीं निकलती, इसीलिए मैं उंगली पहले से टेढ़ी करता हूँ। इंस्पेक्टर साहब बेशक मैं थाने में खड़ा हूँ, लेकिन मेरी पहुंच तुम्हारे घर तक है, हम यहाँ आने से पहले अपने दो आदमियों को भेज दिया हूँ
जो अब तक तुम्हारे मकान में बम लगा चुके होंगे। मैं आपके फोन की घंटी घुमाऊंगा और हमारे बंदे वहां पर रिमोट का बटन दबाएंगे, आपका परिवार आपके मकान सहित वहां उड़ जाएगा। और बंदूक की धमकी दिखा रहे हो, ऊपर से परमिशन लेना पड़ेगा आपको गोली चलाने के लिए, लेकिन मुझे परमिशन नहीं लेना पड़ेगा, मैं यही तुम्हें धराशाही कर दूंगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, सोच लो। ये प्रधान ठीक कह रहा है, अगर मुझे गोली चलाना पड़ा तो पहले मुझे परमिशन लेना पड़ेगा, और मैं इसकी बात नहीं मानता हूं तो मेरे परिवार वालों को नाश कर देगा। उधर मेरे घर पे दो आदमी भेज के बम लगा चुका है और इधर मुझे भी मारने की धमकी दे रहा है। देखो मैं इसका कहना मानता हूं, मेरे अनिल साहब मुझे माफ कर देना, मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं जो मैं तुम्हारे साथ बहुत बड़ी घात करने जा रहा हूं साहब, मुझे माफ कर देना। अनिल प्रधान इधर आओ। क्या फैसला किया साहब, बताइए। प्रधान जी मुझे आपकी बात सब कुछ मंजूर है। ये हुई ना बात, यही उम्मीद लेकर तुम आया था यहाँ पर, बड़ी अच्छी बात है। अगर हमारी बात आपको मंजूर है तो हम वादा करता हूँ आपके परिवार को कुछ नहीं होगा। यही आपकी, और हाँ काली पहाड़ी पे आओगे हम वहां पर हैंड इशारा करूंगा, आप वहां चले जाओगे, हमारा जो काम है हम देख लेंगे। पैसों नहीं है। ठीक ठीक है प्रधान जी, देखो अभी तुम जा सकते हो और मैं तुझे वहीं पे मिलूंगा। ठीक है, ठीक है साहब। हाँ पहाड़ी पे मिलूंगा, जाइए। थोड़ी देर अपने साहब का और इंतजार करता हूँ, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। मैं थाने के गेट पर पहुंच चुका हूँ, चल कर देखता हूँ अंदर कोई है या नहीं। क्या देख रहा हूँ, ये सो रहा है। सबसे पहले इसे मैं बांध देता हूँ, उसके बाद जो लेटर लिखा है इसके पास रख दूंगा। खबर चलकर अपनी बहन को बताता हूं, ये सोएगा, इसका साहब आएगा, इसे जगाएगा, उसके आंखों के आगे ये लेटर नजर आएगा, पड़ेगा तो उसे होश उड़ाएंगे। चलता हूं अपने बहन के पास। मैडम। हाँ सर। अरविंद अपने आप को बांध कर सो रहा है, मुझे लगता है इसको नींद में चलने की बीमारी है, इसीलिए अपने आप को बांध लिया है। इसे जगाओ, जगाओ। वाह मेरे देश के नौजवानों, इसी तरह अगर तुम लोग ड्यूटी करोगे
तो देश की क्या हाल होगी? इसी तरह ड्यूटी दी जाती है आ? तुम ड्यूटी दे रहे हो साहब आप का भाई? मेरे तो समझ में नहीं आया कि अपने आप को बांध करके सो रहे थे, कहे तुम्हें मिर्गी तो नहीं आती है? अरे साहब, इतने दिन इतना दिन हो गया आपके साथ में मुझे ड्यूटी करते हुए, मुझे और कभी मिर्गी और दौड़ा आया था या आज ही आ जाएगा साहब? ये बताओ क्यों बांध कर तुम सो रहे थे? साहब मेरी बात सुनिए, आप साहब हल्के में चले गए थे, मैं अंदर ऑफिस में अकेला था, तो साहब बैठे बैठे अचानक मेरे को नींद आ गई साहब, और मैं सो गया, और सोने के बाद साहब ये मेरे को कौन बांध दिया, कौन नहीं बांध गया साहब मुझे नहीं पता है, लेकिन साहब एक बहुत खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है साहब? खुशखबरी ये है कि आज रात 12 बजे डाकू शिवनी का माल काली पहाड़ी पे आ रहा है। क्या कह रहे हो? डाकू शिवनी का हथियार काली पहाड़ी पे साहब विदेश से आ रहा है, जैसे कि बम बारूद पिस्टल आदि खतरनाक औजार साहब आ रहे हैं। ये मैं मुखबिर से मेरे को पता लगा है साहब। अरविंद कुमार, ये तो बड़ा अच्छा मौका है और बड़ी अच्छी खुशखबरी है। अरविंद कुमार आज ही तैयारी करो काली पहाड़ी पर चले के लिए। सर कोई निमंत्रण दे गया है? गीता मैडम तुम तो निमंत्रण की चक्कर में रहती है। और क्या सर लो देखो, जब देखो गीता मैडम निमंत्रण खोजती रहती है कि कहीं से निमंत्रण आ जाए और मुझे पूरी खाने की। मैं तो जरूर चलूंगी। मैं जा रहा हूँ, तुम जाओगी? इसको ड्यूटी छोड़ देना। सेवा में इंस्पेक्टर अनिल कुमार, हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। अरे ये कौन लेटर लिखा? तुम हमारा पीछा करना बंद कर दो, हो सकता है हम एक दूसरे की काम आ जाएं। इंसानियत के नाते समझाना मेरा फर्ज था डाकू सैनी। इसका मतलब ये है कि डाकू सैनी का आदमी आया हुआ था और तुम्हें बांध कर चला गया। ये तो अच्छा हुआ तुम्हें वो गोली नहीं मारा, लेकिन ये कह रही है कि मेरा पीछा करना छोड़ दो, एक दूसरे के काम आएंगे। हाँ, एक डाकू और एक सिपाही का दोस्त, एक सिपाही से कैसे दोस्ती हो सकती है? और अपने आप को क्या समझ रही है? डाकू और सिपाही का तो साहब कोई साथ नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता है। लेकिन अरविंद कुमार वो चाहे जो लिख कर भेजे, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ और ना तो मरने से डरता हूँ। मैं जो वादा किया हूँ उसको मैं पूरा करूंगा। जब तक मैं सैन्य को गिरफ्तार नहीं कर लेता तब तक मैं चैन से रह बैठूंगा। देखता हूँ वो कितने दिन मेरे हाथों से बचकर रहती है। ऐसा करो, अच्छा मौका है, चलते हैं काली पहाड़ी पर, ठीक है? और उसका हथियार तो मैं अपने कब्जे में ले लूंगा ही, लेकिन साथ साथ उसे गिरफ्तार भी करूंगा। तब तो तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ गई। दे दिए बंदूक भी ले गया। चलो देखो, हो सकता है उसके साथी अगर हाथ लग गए, हो सकता है तुम्हारा बंदूक मिल गया। तुम्हारी तो बंदूक गई। अगर तुम्हारी बंदूक नहीं मिली तो समझ लो तुम्हारी नौकरी खतरे में है, ठीक है? आओ मेरे साथ। सर इसकी बंदूक गई, मेरी तो रसगुल्ला और पूरी सब्जी छूट गई। यार मैं तो परेशान हूँ तुमसे, तुम्हें पूरी रसगुल्ला की पड़ी हुई है और मैं तो सोचा निमंत्रण हो गए तो लेटर आ गया। तो ले लो निमंत्रण, जाओ सैनी से मिलो। नहीं सर मैं अकेले नहीं जाऊंगी, नहीं गोली मार देगी ना, तो मैं कहीं की खाने के लायक नहीं रह जाऊंगी। गीता गीता मैडम दिल में हौसला रखो, ठीक है? और उसे गिरफ्तार किया जाएगा। चलो सर आओ मेरे साथ। पुलिस वाले भी आधा पागल होते हैं, थोड़ी सी खबर पाते हैं वहां चले जाते हैं। उन्हें यह नहीं मालूम है ये शेर सिंह का दिमाग कंप्यूटर है, जब चाहा पलट दिया। ये जाएंगे काली पहाड़ी पर और मैं और मेरी बहन हम लोग जाएंगे गांव की तरफ। ये खबर चलकर अपने बहन को बताता हूं।
अरविंद कुमार। हाँ साहब, देखो हम लोग काली पहाड़ी पर पहुंच चुके हैं। हाँ सर, और यहाँ होशियारी से ड्यूटी कर रहे हैं। ठीक है साहब, बिल्कुल होशियार रहना। जैसे उसका हथियार आता है तुरंत उस हथियार पर साहब मेरी ड्यूटी यहाँ पर लगाओगे, मैं वादा करता हूँ आपसे, अगर मैं डाकू सैनी मेरे पास आ गए साहब, मैं गोली मार दूंगा, आप चाहे जो भी कहोगे। ऐसा करो, गीता मैडम को साथ लो और तुम इधर देखो। ठीक है साहब, और मैं इधर देख रहा हूँ। ओके सर। तुम्हारा खिलौना हमारे हाथ में आ गया, यहाँ कोई शेरनी का हथियार नहीं आ रहा है। अरविंद कुमार, ये जाल हमने फैलाया था तुम्हें बुलाने के लिए। तो तुम ही आशिक अर्जुन प्रधान हो? हाँ हाँ, लेकिन बहुत मुश्किल है, बहुत कायर है तू। मर्द नहीं तू, साले न मर्द है। मेरी बात सुन, अबे अनिलवा जरा खौफ खाया नहीं, हम की घर पे तू जाके हमारे दिया मार डालूंगा साले, अरे तुझे जान से बेइज्जती तू कमीना हमारी। हमारी हवेली पर जाकर साले धमकी देकर आया, हमें कुत्ते की तरह घसीटते हुए ले जाएगा तेरे। और मारना जितना हो मारना, मार कुत्ते तुम्हें मारना जितना हो, मार मरने से डरने वाला नहीं तेरे। पाप का अर्जुन तेरा और एक भर गया, मारना है मार, मैं मरने से डरने वाला नहीं हूं, लेकिन याद रखना अगर तू मुझे मार रहा है तो जान से मार देना, अगर मैं बच गया ना तो साले मैं तुझे कुत्ते की मौत जरूर मारूंगा। कुत्ते की मौत मरोगे आज तुम, कुत्ते की मौत मरोगे। सोच रहा हूं अपनी गोली क्यों खर्चा करूं, आखिर प्रशासन वालों का सम्मान किस दिन काम आएगा। तुमको हम तुम्हारी ही गोली से मारूंगा हरामखोर। मार डाला एक, लेकिन याद रखना अगर मैं बच गया तो तेरी मौत कुत्ते की मौत होगी। जब बचेगा तब ना, ये दिन देखने के लिए तो जिंदा नहीं रहेगा हरामखोर। नंबर एक और नंबर दो मरो सारे। सिंह का कोई पता नहीं चला, शेर सिंह कहां हो तुम? बहन, एक पुलिस वाले को गोली लगी है, मैं झाड़ के पास उसको छोड़ के आया हूं, उसको हॉस्पिटल ले चलते हैं। चलो देर मत करो बहन। पुलिस वाले की मदद कर रहे हो, वो तो हमारा दुश्मन है। बहन क्या पता कोई मासूम ही हो। ठीक कहते हो, चलो देखते हैं। चलो बहन आओ। Thank you.
रात के 10:30 बज चुके हैं। मैं क्लिनिक का गेट चेक करके सोने जल रहा हूँ। हेलो डॉक्टर साहब, जय माँ भवानी। जय माँ भवानी, कहिए। हम आपको ले जाने के लिए आए हैं। ओके, ऐसी बात। हाँ, एक पुलिस वाले को गोली लगी हुई है, उसका इलाज करके उसकी जान बचानी है। आप तो एक डाकू मालूम पड़ती हैं। हाँ हाँ, मैं डाकू ही हूँ। डाकू और पुलिस का साथ कुछ समझ में नहीं आई। ये मेरा इंसानी फर्ज है, ये सब पूछने का क्या मतलब है? आपको जान बचानी है, चलिए जान बचाइए। देखो सेठ, तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन ये एक पुलिस केस बनता है, इसलिए आपको थाने जाना होगा, वहां से पास करवा के लेके आओ उसको, फिर हम उसका इलाज करेंगे। क्या कहा? हाँ डॉक्टर साहब, जब तक हम उसको पुलिस केस में पुलिस के हाथ लगने देंगे, पुलिस के आने में देर हो जाएगी और उसका मरण हो जाएगा। आप उसकी जान बचाने चलते हैं कि नहीं? देखो, आपको थाने जाकर आर्डर लाना ही पड़ेगा। इसका मतलब जाने के लिए तैयार नहीं हो? नहीं, अगर आप हमारे साथ जबरदस्ती करेंगे, हम फोन करने चल रहे हैं। फोन करोगे? हाँ। नहीं देखो, हमें मत मारो। चलो ठीक है, मैं देखता हूँ।